जेंडर इक्वालिटी की बातें तो हर कोई करता है, लेकिन जेंडर बैलेंस की बातें करना थोड़ा सा लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस बार डिफेंस में जेंडर बैलेंस को बहुत महत्व दिया गया है और सिर्फ गर्ल्स के लिए एक्सक्लूसिवली जॉब्स निकाले गए हैं जिसमें उन्हें सैलरी 56,000 और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, कौन एग्जाम दे सकता है और बहुत सारी बातें। सो लेट्स गेट इन द वीडियो एंड टॉक अबाउट इट। What's up everybody, welcome back to my channel pages by साक्षी पटेल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले, और मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दैट इज पेजेस बाय साक्षी। आज मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आप सबके लिए लेके आई हूँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स। तो इसे लड़के भी देख सकते हैं, क्योंकि उनकी जितनी भी बहन है, फ्रेंड्स हैं, आप उन्हें शेयर करिए, उन्हें बताइए कि आप लोग के लिए बहुत ही स्पेशल जॉब निकली है, वो भी डिफेंस में, एक गवर्नमेंट जॉब है और उसकी सैलरी आपको 56,000 तक मिल सकती है। लेकिन ये जॉब क्या है, आपको काम क्या करना होगा, एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो जॉब निकली है अंडर DRDO, डिफेंस का एक DRDO होता है, उसमें एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है सेप्टम, उसके अंदर में गर्ल्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल जॉब निकली है, वो भी इसीलिए ताकि हम जेंडर बैलेंस को मेंटेन करके रख सकें और गर्ल्स को भी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें। जिन लोगों में बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, उनके लिए एक बहुत ही स्पेशल मौका है। अब आपको करना क्या होगा, एक ही बात है, एलिजिबिलिटी जो है दैट इज 10th क्लास या फिर ITI एक डिप्लोमा कोर्स होती है प्लस 10th क्लास। अगर आपने 10th क्लास करी हुई है तो भी आप इसे दे सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने ITI करी हुई है तो भी आप दे सकते हैं। दूसरा ये है कि कब से कब तक फॉर्म कब से चालू होगा भरना, 23 दिसंबर से आप फॉर्म जाकर के फिल कर सकते हो इनकी वेबसाइट्स पे। दूसरा है कि कब तक रहेगा, देन 23 जनवरी तक रहेगा, तो आपके पास एक महीने का मौका आप इसमें, लेकिन जल्द से जल्द जाकर के फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि सर्वर जैसे कि आपको भी पता है कि डाउन होते रहते हैं, बाद में इंटरनेट कभी भी शट डाउन हो सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके आप जाकर के फॉर्म को फिल कर दें। इसमें काम क्या होगा, जॉब का नाम है मल्टीटास्किंग जॉब। ये एक मल्टीटास्किंग जॉब है आपकी, बहुत ज़्यादा आपको देखा जाएगा कि आप किस तरीके के काम कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि इनकी सैलरी 18 या फिर 30,000 से चालू होगी, 56,000 तक आगे जा सकती है। उन्हें बहुत सारे स्पेशल सिक्योरिटीज़ मिलेंगी, उन्हें मेडिकल अलाउंसेज मिलेंगे, उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन रहेगा, मेडिकल ट्रीटमेंट रहेगा, इसलिए बहुत सारी इसमें अपॉर्चुनिटीज़ है, फ़ायदे हैं, अच्छा जॉब है। ऊपर से जितने भी लोग जो कि बहुत ही फिट है, अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं, वो जाकर के इस जॉब को कर सकते हैं। अब मैं आपको बातें बताने वाली हूँ कुछ स्पेशल चीज़। तो जिन स्पेशल चीज़ों के बारे में मैं आपको बता रही थी वो है कितने पोस्ट निकले हैं। पोस्ट निकले हैं 1817 पोस्ट। सो यू कैन इमेजिन कि इतने सारे पोस्ट निकले हैं। तो आप जाकर के जितनी जल्दी भरेंगे एग्जामिनेशन में, जितना जल्दी तैयारी चालू करेंगे, उतना जल्दी आपको फ़ायदा मिल सकता है। दूसरी बात यह है कि ये एज लिमिट कितनी है। तो इसमें एज लिमिट है दैट इज़ फ्रॉम 18 to 25। ओके, 18 to 25 जो है ये आपकी एज लिमिट है। अब इसमें एग्जामिनेशन किस तरीके के होंगे, तो एग्जामिनेशन दो तरीके से होंगे। एक होगा Tier 1 एग्जामिनेशन, देन Tier 2 एग्जामिनेशन। Tier 1 एग्जामिनेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, लेकिन वो एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। बाद में एक फाइनल टेस्ट लिया जाएगा, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2, जो कि फाइनल टेस्ट होगा। उसके अकॉर्डिंग आपको बुलाया जाएगा और आप डिफेंस में जाकर सर्विस दे सकते हैं। सो दिस इज अ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी सिंगल गर्ल हु रियली वांटेड टू वर्क इन दिस फील्ड। तो अगर आप अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, बहुत ही एंथुजियास्टिक हैं, आप चाहते हैं कि हमें फिट रहें और आपके आने वाली जो जनरेशन है उनको भी काफ़ी कुछ अच्छा मिले, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह, तो ये जॉब सिर्फ आपके लिए है, तो एक्सक्लूसिवली आपके लिए। तो इसीलिए जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं आप इसे शेयर करें, जितने भी आपकी बहनें हैं, फ्रेंड्स हैं जो कि जॉब पाना चाहती हैं, एक बहुत ही अच्छा मौका है। सबको पता नहीं चलता इस न्यूज़ के बारे में, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, थैंक यू सो मच, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो। मैं बेसिकली अभी नए यूट्यूबर हूँ मैं, ठीक है, तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मेरे जो मैं जो बता रही हूँ उसका इम्पैक्ट हर जगह फैले और इफ़ेक्ट हो मेरे जो वीडियोस हैं उससे। सो दिस इज ऑल अबाउट इट एंड सी यू बाय इन द नेक्स्ट वीडियो।